के घर पर जा चाहे या बलजोरिये तो देख रहा लगातार लाइव अहाँ सब जो सीआरपीएफ के जवान साथ हाथा बाही कर रहा है देख सके छे लगातार लाठीचार्ज के प्रयास अच्छा देख सके छे लाठीचार्ज भ रहा है सीआरपीएफ के द्वारा लाठीचार्ज भ रहा है सीआरपीएफ के द्वारा तो लगातार देख रहा छे जो भगदड़ मचल लगातार तो देख सके छे तो सीआरपीएफ के द्वारा विशेष इनका से बात करब जानकारी लेबी केना लागल मारलक है सब की है जे अतताय सब आयल छथि बीजेपी के रजिस्टर्ड जे छथि सब अतताय सब यह सब मारलत है आ बेहिसाब गाइड जे पढ़लक अगर तो हिसाब नहीं है आगे की लागे जे फयाज अहमद जी के घर से पैसा हो या ज्वेलरी हो ये सब छापा नहीं मारेता है नहीं निकलता जय मिथिला हम रंजीत कुमार जब मिथिला सशक्त से अहाँ सबके लगातार हम देखा रहा छी एखन डॉक्टर फयाज अहमद जे पूर्व दू बेर विधायक बिस्फीके रह चुकल छथि और एखन सांसद छथि राज्यसभा के सांसद छथि उनका घर पर सुबह से ईडी के द्वारा छापामारी चल रहा है लगातार एत छापामारी चल रहा है सीआरपीएफ के द्वारा लाठीचार्ज से भेलै जे किछ लोग सब घायल छथि जना कि एत देख रहा छी तस्वीर कैमरामैन के कमन देखेथिन जे तऽ इनका हाथ तोड़ देल गेलै विशेष इनका से बात करब पहले तऽ अपन परिचय देबै मोहम्मद महताब सिद्दीकी आरजेडी युवा प्रवक्ता मधुबनी केना टूट गेला सुबह छः बजे से लगातार जो है सो सीबीआई अपना काम कर रही है हम लोग कोई बाधा नहीं दे रहे थे अपना काम कर रही है हम लोग शहर में अपना बैठे हुए थे आराम से जब 12 बजा है तो हम अपने वकील साहब को फयाज साहब के जो वकील साहब है वो आए हैं उनको अंदर 12 बजे जाने के लिए हम लोग कहे हैं तो अंदर ले गया है एक घंटा उनको ओझा के रखा गया है और 1 बजे तक उनको अंदर नहीं जाने दिया है वकील साहब को जब वापस भेज रहा था तो भेजने के क्रम में हम लोग प्रोटेस्ट किए जिसमें जो है सीआरपी का जवान मतलब मोदी का जो है जवान सीआरपी नहीं वो मोदी का जवान है उन्होंने लाठीचार्ज किया है और हाथ तोड़ दिया है एक चश्मा सीने पर लगा तो चश्मा इस तरह टंगा हुआ था लाठी सीने पर लगा जो इसको फोड़ दिया है और हाथ तोड़ दिया देख रहा छे लगातार ही कहल जे इनकर फयाज अहमद जी के वकील आयल छलखिन और 12 बजे तक जहन एलखिन और 1 बजे तक उनका घर के बाहर में रोड पर खड़ा कर दल गल छलन और जहन उनका अंदर नहीं जा दलकन तो वकील साहब वापस जाए छलखिन तो ये नेता सब जे आरजेडी के छथिन उनका द्वारा बैक में अहाँ सबके देखायब वीडियो के सीन में देखायब लाइव के माध्यम से जो बैक में गाड़ी केलखिन है और गाड़ी इन सब करवेलखिन और सीआरपीएफ के द्वारा लाठीचार्ज भेलन जे में देख सके छी तस्वीर देखा रहल छी अहाँ सबके जे टूट गेलन है अहाँ सरकार से की कहे चाहै छी सरकार तो इसमें सरकार से क्या मांगेंगे हम आज से एक हफ्ता पहले कोई सीबीआई नहीं था कोई ईडी नहीं था आज विधानसभा में क्या पेशी होना था राजद के नेता और राजद के कार्यकर्ता अपने आप में व्यस्त हो जाए इसका ध्यान बढ़ जाए इसलिए ये सब कर रही है सरकार जाने का बीजेपी के पास बहुत बुखलाहट है देख सके छी लगातार अहाँ सबके देखाबै छी और किछ लोग सब साथ बात करब पहले तो अपने के स्वागत है अपन परिचय देबै जी मेरी नाम उमर फारूक हुई सबसे बड़ी चीज है कि आज फ्लोर टेस्ट हो रहा था 122 का बहुमत चाहिए था 164 का बहुमत है विजय सिन्हा जी स्पीकर पद से इस्तीफा दे नहीं रहे थे आज वो उसी के कारण ये सारा खेल हुआ है आरजेडी के 5 लोगों पे सीबीईडीआई कार्रवाई कर रही है जो पूरे देश में 20 से 25 ठिकानों पे ऐसा चल रहा है फयाज साहब गरीबों की मदद किए हैं हमेशा हर मामले में जात धर्म से ऊपर उठ करके काम किए हैं ऐसा लाल मिथिला को मिलना मुश्किल है नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इस तरीके का काम करके आप काम के नाम पे वोट मांगिए आप पक्षपात कर रहे हैं आप कर जो महाराष्ट्र में कहिए आप कई जगह ऐसा किए वो सोच रहे थे कि यहाँ हो जाए जदयू का नस्तो नाबूद जदयू को ख़त्म करके वो अपनी पार्टी में अपनी सरकार विलय करवा के बहुमत साबित करना चाहते थे आज नीतीश कुमार ने उनके साथ खेला कर दिया उसी के लिए ये ऐसी बदले की कार्रवाई से कर रहे हैं ये काम देख सके छे लगातार देखा रहा छथिन और किछ लोग छथिन ई व्यक्ति छथिन जिनका इनका पीठ पर जबरदस्त लाठी लागल है इनको सब बात करे के कोशिश करब अहाँ के जे चोट लागल है देखा सके छी लगातार जे बहुत जोर से लागल है बहुत दर्द भ रहा छन लगातार कैमरामैन के कमन कनी फोकस कर के देखेथिन जे देख सके छी लगातार इनका फायर देने एत सीआरपीएफ के द्वारा विशेष इनका से बात करब जानकारी लेबी केना लागल है मारलक है सब की है जे अतताय सब आयल छथि बीजेपी के रजिस्टर्ड जे छथि सब अतताय सब इएह सब मारलत है आ बेहिसाब गाइड जे पढ़लक अगर तो हिसाब नहीं है
उनका कालर पकड़ ले लिया ना सीआरपीएफ के द्वारा। हाँ हाँ अब तो कहता उस सब की हम सब अब तो उस सब कहता कि हम सब बम बंदूक बरसा रहा चलियन। अरे झूठा खाली जितना है ना ये सब, देखिए इन लोगों को झूठ बोलने का लाइसेंस मिला हुआ है क्योंकि इन लोगों के पास बीजेपी का वाशिंग मशीन है। इन लोगों के पास बीजेपी का वाशिंग मशीन है, जितना झूठ बोलेंगे उसमें घुसाइए और सच का सर्टिफिकेट लेके बाहर निकलेंगे। इन लोग बीजेपी के वाशिंग मशीन से निकले हुए हैं, ये लोग थोड़ी झूठ बोलेंगे। झूठ तो जनता बोलती है, महंगाई से जनता मरती है ना, उसका दर्द का क्या पता चलेगा। देख सकते लगातार अहाँ सबके दिखा रहा है, लगातार सीआरपीएफ के जवान सब भरल छ, देख सकते इनका सब द्वारा लाठीचार्ज कल गया जैसे 3 आदमी घायल भेल और किछ लोग सब छ, उनको सबसे जानकारी लेब और बात करब। लगातार अहाँ सबके तस्वीर हम मिथिला संस्था के माध्यम से दिखा रहा छी, डॉक्टर फयाज अहमद के घर पर लगातार सुबह 6:30 बजे से ईडी के द्वारा छापामारी भ रहा है। एत से 100 मीटर दूर सामने में डॉक्टर फयाज अहमद जी के घर छन, जे ऐसे पूर्व 2 बेर विधायक रह चुकल छथिन 20वीं विधानसभा से और एखन राज्यसभा के सांसद छथिन और विशेष मात्र राज्यसभा के सांसद मात्र 1 से 1.5 महीना भेलन बनला और किछ नेता सब छथिन उनका से बात करब। पहले तो अपन परिचय देवे। हम जन अधिकार पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पप्पू जी के सिपाही छी। व्यक्तिगत तौर पर हम फयाज अहमद जी के जाने छी, उनकर इस समाज में बहुत बड़ा योगदान छै मिथिला में। आई लेल कि कोनो नेता बनले तो अपन घर भरल के, लेकिन फयाज अहमद एहन नेता छै कि अपन घर नहीं भर कर लोग के लेल काज करके काज ही कल के कि देखियो मधुबनी जिला में IPS दिलखिन, जै टाइम में कोनो स्कूल के प्राइवेट के कोनो व्यवस्था नहीं चले, वही टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल देवे के काज कल के हो। आ तेकरा बाद में BED कॉलेज दिलखिन, मेडिकल कॉलेज दिलखिन। आई समाज में जे आबे जे हुनका से होए जे कमाबे है से लोग के पीछे खर्च, ये पाई पर लायल लोग नहीं छे, ये फयाज जी के कमाएल लोग छे। नरेंद्र मोदी डर गेले या कि 2024 में हम सत्ता में केना लौटबे, तेकरे तैयारी कर रहल छे। अहाँ देखियो उत्तर प्रदेश में चुन चुन के माइन रोटी के जे है से टारगेट कर रहल छे, किया कि हम देखा सकिए बीजेपी के लोग कि एक जाति समुदाय के तरफ हम सॉफ्ट छी आ ओकरा डंटा करने छे आ पाकिस्तान भेज देवे। ई सब RSS के दुष्ट प्रचार के नतीजा छे। RSS माइंडेड जे लोग छे से ओहिमे हम मिलबे छे, जेना बचौल जी के देख लियो आई ठाम मधुबनी जिला में BJP के अरबपति खरबपति नेता सब छे, तेकरा हियाँ नहीं होइ छे रेड। अहाँ तो बुझते होबे चिंते होबे नाम की कहू। आर फयाज अहमद जी जे गरीब के काज करे छे, लालू जी जेना गरीब के आगा बढ़ल के तो उनका जेल में ठूस दिल के, तो वही ना फयाज जी के साथे चाहे छे, मगर जनता जे छे से सड़क पर आबि गेलै यऽ। अगर एहन हेते तो गोली आ आग लगबे ला हम सब तैयार छिए, जत्ते गोली मारते प्रशासन हम सब खाए ला जान देबे ला तैयार छिए। की लागैय जे फयाज अहमद जी के घर से पैसा हो या ज्वेलरी हो ई सब छापा नै मरेतै नै निकलतन? कत्ते बेर पहिनो छापा मारने चले की भ गेलै फयाज जे? सच के आँच होइ छै, सच के रंजीत जी आँच होइ छै से कहियो अहाँ। फयाज अहमद उगता हुआ सूरज छै, वो आबे वाला आई जिला के मसीहा छे, तकरा बाद में बिहार में एक विशेष रूप से वो अपन जगह बनेलखिन। चलो धन्यवाद। देख सकै छियै लगातार तस्वीर अहाँ सबके देखा रहल छियै, एतऽ देख रहल छियै जे 41 से 42 टेम्परेचर में एतऽ धूप छै, तकर बाद एखन समाना लगाएल गेल आई लगातार 6 बजे सुबह से ई सब नेता सब एतऽ बैसल छथि। किछु बात करब, की कहऽ चाहै छियै भाइयो? मानिय श्री फैया साहब बिस्पी में बहुत काम किया है, पूरे मधुबनी का चंदा दिया है, मान लीजिए कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मान लीजिए बच्चा है, भैया सब के समय में बच्चा है। अरे है हिम्मत मोदी जी में, हम चैलेंज आपके चैलेंज माध्यम से करना चाहता हूँ। अशोक यादव को सैकड़ों फार्म चलता है दिल्ली में पेट्रोल पंप, स्थानीय पूर्व MLC सुमन महासेठ के वहाँ छापामारी कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी निकल लग रहा है। यहाँ के कोनो नेता का साजिश है कि जी? मोदी जी का, सुशील मोदी का, हरबिशन ठाकुर बचौल का ये साजिश है। बिहार से BJP के सत्ता से बाहर फेंकल गए तई के छटपटाहट में मोदी जी छटपटा रहल छथि। उनका जते के जो विधायक सांसद और पूर्व मंत्री उप मुख्यमंत्री छथि उनका छटपटाहट भ रहल छथिन, वे छटपटाहट में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेता के ऊपर छापा मारी शुरू कलखिन। ये सब चलो वाला नहीं है, 2000 अखनी हाफ भेला गया, 2024 में साफ भ जता। देख सके लगातार कब तक नाचेगी CBI मोदी के इशारे पे, कभी तो आएगी UPA के दरवाजे पे। लगातार ये सब लागल छत सुबह 6 बजे से लगातार ये सब RJD के नेता सब और देख सके लगातार तस्वीर और किस लोग सब छत बात करब।
की अहाँ के लागे ये साजिश छे या इनका घर से छापा में ज्वेलरी निकलते या पैसा निकलते? किछ नहीं, संपूर्ण षड्यंत्र, संपूर्ण साजिश, केंद्र सरकार के साजिश, विरोधी के आवाज दबाव के लेल, लेकिन आवाज दबते ने आवाज और विराट रूप से सामने हेतु, देश के सामने हेतु। देख सकै छियै लगातार तस्वीर अहाँ सबके हम मधुबनी से देखा रहल छियै, तऽ देख रहल छियै जे धीरे धीरे सीआरपीएफ के जवान और भर रहल छ जे मधुबनी नगर के थाना से हो त पहुँच चुकल छत, और एत बता दी जे सीआरपीएफ के द्वारा लाठी चार्ज से हो भेला आरजेडी के कुछ नेता के, जिनका एकटा के पीठ तोड़ देल गेलै और एकटा के हाथ तोड़ गेलै। तऽ अहाँ सब हमर मिथिला सस्ता के माध्यम से बनल रहू, और फेसबुक चैनल देखै छी तऽ फॉलो करनाय नहि बिसरबै, और यूट्यूब चैनल देखै छी तऽ सब्सक्राइब करनाय नहि बिसरबै। धन्यवाद।